वही कॉल टाइम भी ठीक है लाइक दाग देना तो रहेगा नहीं गप्पू घर पर केक गिर जाएगा हवन हमारे यहाँ एक और है तो छेड़ूंगा जी मोबाइल नीचे नहीं है देखो नीचे मोबाइल आ जाओ आ जा कर दिया नीचे ये नीचे है देखो नीचे कर जो अनुपमा से प्यार करते हैं हाथ लगा लो Congratulations and celebrations. We want the world to know how happy we can be. Woo! 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 Tutu, 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 tutu. हेलो बहुत बढ़िया एक जनता बाइक कर लेते हाँ एक जनता बाइक करने दे अरे सबको तुमको थैंक यू Congratulations and celebrations. Say I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and celebrations. I want the world to know how happy I can be. Who would be the one to ask me what I said? I stand for the happiness of me. अरे सिंबल बनाया था जैसे रिश्ता का तो सब सिंबल जानते क्या है सिंबल रिश्ता का थ्री तो रूपाली ने एक सिंबल बनाया था ए तो सब
ए बना लो चलो ए में भी 3 है सर हां ए में 3 है वाह सर गुड वन इसे नहीं ले ए with 3 and A is the most important letter in my life. My father was Anil, my husband is Ashwin, and Anupama has changed my life. three. Nobody should forget 3, इसलिए मैंने 3 गड़वा दिया. चलो guys, thank you so much. Thank you guys. पहले को thank you कहने का दिन था और सारी team members को thank you कहने का. People, DOP, everybody has come, music, editors, everybody, हमारी unit के जो लोग हैं, हमारी creatives, हर department इतना खूबसूरत सामने आए और एक अच्छी team बनी. एक show जो 99% लोगों ने कहा था कि ये show नहीं चलेगा, और मैंने पहले कहा था ये बहुत बड़ा risk है रूपाली, हम 18 साल के बाद वापस collaborate कर रहे हैं. 20 साल. मेरा पहला show as a director, जो मुझे मेरा debut show था, वो उनका पहला शो टेलीविजन में एज ए हीरोइन था 20 साल पहले. तो ऐसे देखो वापस एक गैम्बल प्ले कर रहे हैं, एक नया शो बना रहे हैं, तो देखते हैं क्या जर्नी बनती है. बट वो एक अच्छी टीम बनी, अच्छे लोग आए साथ में और बहुत खुशी मिल रही है. एंड मेनली आई वुड लाइक टू थैंक द मीडिया, आप लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया है. और हमारे स्टार जी भी आ गए. आइए सर. तो अच्छा लग रहा है कि अच्छी टीम साथ में जुड़ी है. और द जर्नी आई फील हैज जस्ट स्टार्टेड. सो एंड मेनली आई वुड लाइक टू थैंक आल्सो द व्यूअर्स, क्योंकि वो सारी फैमिली जो साथ में बैठ के अनुपमा देखती है सुबह 7 बजे और रात को 10 बजे मंडे टू सैटरडे स्टार प्लस पे. तो अच्छा लगता है जो जब भी जाओ और लोग बोलते रहे आप अनुपमा के प्रोड्यूसर हैं, जो इज्जत मिलती है इतना अच्छा लगता है. तो मैंने इसलिए अपना लुक भी चेंज कर दिया कि लोग आइडेंटिफाई करें यार ये देखो ये अनुपमा के प्रोड्यूसर हैं. तो जोक्स अपार्ट, जो एक कड़ी बनी है अच्छे शोज़ की, चाहे वो विदाई हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे रिश्ते प्यार के हो, चाहे अमृत मंथन कुछ तो लोग कहेंगे, अनुपमा के आने से 2020 में आई थिंक हम सबको ना लाइफ में एक लीज मिली है, एक ऊपर वाले ने और एक टीम की मेहनत से. जब आज के ज़माने में शोज़ आते हैं, कभी कभी हमारे शोज़ भी नहीं चले, तो आई ऑलवेज़ लाइक हमारी टीम में जो ह्यूमिलिटी है, जो हार्ड वर्क करने की टीम स्पिरिट है. सो थैंक यू टू एवरीबॉडी कि ऐसे हम मेहनत करते रहें और ऐसे दिन हमें और रिस्पॉन्सिबल बनाएं दैट वी हैव जस्ट स्टार्टेड द जर्नी. अभी हम बहुत बहुत आगे तक जाना है, स्पेशली जो DKP की ट्रेडिशन है कुछ शोज़ की, तो आप लोगों को और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ 3,300 एपिसोड्स के हैं. मैं क्या कहूँगा, मैं खाली इनकी बात, क्योंकि इन्होंने बोला कि मैंने अपना लुक चेंज किया है इस वजह से, क्योंकि लोग बोलते हैं अरे आप अनुपमा के प्रोड्यूसर हैं, तो मैं इनको यही बोलूंगा कि ये जज्बात कंट्रोल में रखें, कहीं ऐसा ना हो कि लोग बोलें कि सर आप क्यों नहीं ये हीरो का रोल कर रहे हैं, क्यों नहीं आप कर रहे हैं. बिकॉज अब जिस हिसाब से ये इतने फिट होते जा रहे हैं, बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि हम सबको थोड़ा सा अपना मामला टाइट करना पड़ेगा, जिम जाना शुरू करना पड़ेगा. नहीं, ये पूरी खुन्नस निकाल रहे हैं, आई थिंक मुझसे नाराज़ है एज ए प्रोड्यूसर, तो चाहते हैं मेरे प्रोड्यूसर वाली दुकान बंद हो जाए, मेरा दिमाग ख़राब कर दे. जो मुझे नहीं आता वो मैं ज़रूर दिमाग ख़राब होकर ट्राई करूँ और मेरे पूरा दुकान बंद हो जाए. नहीं, जो काम आता है वही करेंगे. और इतने जब कमाल एक्टर्स हैं हमारे साथ, तो हम लोग रुमेश जी और हम लोग सब उस एरिया में सोचेंगे भी नहीं, इतना दिमाग खराब नहीं हुआ हमारा. बट मेरे करियर की, एक्टिंग करियर की एक्चुअल शुरुआत राजन जी के साथ हुई, और अब फिर से जब दोबारा से कदम रखा तो भी इनके साथ शुरुआत की. सो एटलीस्ट यू नो आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड कि दिस मैन हैज बीन माय लकी मैस्कॉट इन लाइफ. कभी कभी ऐसा होता है कि हर चीज, जितने भी लोग हैं हमारी टीम में, जितने एक्टर्स हैं, जितने टेक्नीशियंस हैं, हमारे लाइटमैन हैं, या जितने भी प्रोडक्शन से रिलेटेड लोग हैं, सब लोग इतने पता नहीं क्यों ऐसा सिनर्जी बैठी है हम लोगों की कि जैसे राजन भी हमेशा ये बात कहते हैं कि जब ये सेट पे आते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगता है, तो ही लाइक्स टू कम एंड सिट विद अस एंड हैव अ चैट विद अस, स्पेंड टाइम विद अस. तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी, महाकाल की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम सब लाइक माइंडेड लोग जो हैं वो इस सेट पे एक साथ आए
और हमने एक जर्नी शुरू करी और हम हाँ और सारे के सारे मैं वही बोलने वाला था कि सारे के सारे हमारे सेट पे आपने देखा बहुत सारे छोटे छोटे पप्स भी हैं, डॉग्स भी हैं, तो सबके सब उस जानवर से भी प्यार करने वाले लोग हैं, तो एक यहाँ पे इतना अच्छा वार्म एटमॉस्फेयर रहता है और शायद इसीलिए वो बेजुबान जानवर भी हमारे सेट पे इतने खुश रहते हैं और मुझे लगता है इन सब की ब्लेसिंग्स हमारे साथ है और महाकाल की ब्लेसिंग हमारे साथ है एंड वी आर होपिंग फॉर अ सेट एक्चुअली सेट नहीं लगता इट फील्स लाइक वी हैव कम होम तो फिर मैं जाने नहीं दूंगा ना तो घर पे देरी रहो मैं बिस्तर लाया हूं तैयार बिस्तर लाया हूं बिस्तर भी था उस नाइट हां आपने कहा भी था हां मैं रह जाती हूं सो एनीबॉडी एल्स वांट्स टू से एनीबॉडी एल्स थैंक यू टू यू सर ऑल ऑफ To the entire team, and this is my first show in TV also, and to be starting with Rajan sir, it has always been a dream for me कि मैं अपनी TV की journey की शुरुआत Rajan sir के साथ ही करूँ. And touch wood वैसा ही हुआ. And जो sir ने काव्या का sir has blessed me with this role, and I can't be enough thankful to you sir. Thank you so much. It's such an amazing team. It's such a wonderful feeling to be here every day. रोज हमें इतना प्यार मिलता है एंड इट्स सो पॉजिटिव हियर ऑन सेट कि एक्चुअली हमारा घर जाने का मन नहीं करता है टू बी ऑनेस्ट नहीं जाया कीजिए बिकॉज़ थोड़ा थक जाते हैं इसलिए शो के पर समय होता है कि चलो वापस आ जाओ एक भी दिन छुट्टी मिलती नहीं, है ना तो अभी वो है मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि घर जाने का मन करता है नहीं अभी वो जोन में हम आ गए हैं कि अभी घर जाके भी ऐसा एक दिन छुट्टी मिलती है तो लगता है कि वी स्टार्ट मिसिंग इट ऐसा लगता है कि अरे यार वी शुड हैव बीन हियर वी आर नाउ फाइनली इन दैट जोन आफ्टर ऑल दिस टच वुड एंड आई थिंक द जर्नी जस्ट स्टार्टेड और कौन कौन यहाँ सर हमारे जो सीरीज डायरेक्टर है जो उन्होंने सारे शोज बिदाई से लेके रिश्ता से लेके और जो अभी रिश्ता में पूरा एक नया रेलेवेंस लेके आया और अभी वापस अनुपमा इनके विजन से डायरेक्ट हुआ है तो ये कहूँगा कि अनुपमा ये दोनों हैं और इनके टीम ऑफ राइटर्स और आप वनराज हैं मैं वनराज वनराज क्या अनुपम दोनों है जहाँ पे राजन जी जैसा प्रोड्यूसर हो वहाँ पे काम वैसे ही इतना आसान हो जाता है करना कि अपने आप चीज़ें बनती जाती हैं यू नो जितने पैशन से और जितने प्यार से ये काम करवाते हैं ही इज़ द पर्सन हु कैन टेक आउट द बेस्ट फ्रॉम एनीबॉडी तो बस वही आप देख सकते हैं जो टीम इतने सालों से जुड़ी है वो दैट प्रूव्स कि हाउ लविंग ही इज एंड इतना अच्छा लगता है कि सब मीडिया रिकॉर्ड भी कर रही है ये सब आप में आप रिवाइंड भी सुन सकते हो आशीष जी डायरेक्टर्स आई जस्ट या या करेंगे सब सारी टीम आई जस्ट ऐड एक छोटी सी बात कि एक इतने अच्छे कितने बड़े लेवल पे टचवुड थू 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 प्रोड्यूसर होना और इतना अप्रोचेबल होना हर एक के रिलेशन को समझना इस पूरे सेट को एक साथ लेकर चलना विच इज़ अ वेरी बिग थिंग एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल कि राजन सर इस पूरे यूनिट को एक फैमिली की तरह संभालते हैं एंड कहीं ना सारे एक्टर्स ये चीज़ सोचते हैं कि यार टीवी नहीं करना टीवी तो करना ही नहीं है मगर इंटरनली दिस इज़ द फैक्ट मगर आज मैं ये बात बोलूँगा कि आज ये जो क्लॉज है ना ये मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया कि अगर ऐसा प्रोड्यूसर आपकी लाइफ में है जो हर कैरेक्टर पर इतना काम करता है इतने अच्छे से लिखवाता है सब कुछ तो टीवी ऐसे करना है और शान से करना है इनसे बेटर कौन बोलेगा